वसीयत। वर्ष 2019 में छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर सूबेदार तानाजी मालुसरे के जीवन पर आधारित फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर आई थी। इस फिल्म के ट्रेलर में तानाजी की पत्नी सावित्री को ये कहते दिखाया गया है, जब शिवाजी राजे की तलवार चलती है तो औरतों का घूंघट और ब्राह्मणों का जनेऊ सलामत रहता है। इस एक संवाद पर महाराष्ट्र में इतना विवाद हुआ कि बाद में इसे बदलकर सबका घरबार सलामत रहता है कर दिया गया। इस डायलॉग का विरोध करने में सबसे आगे थे एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड़। ये वही व्यक्ति है जिसने भगवान राम को मांसाहारी बताया था, बाद में उसे माफी मांगनी पड़ी थी। इससे पहले शरद पवार भी छत्रपति शिवाजी महाराज को गौ ब्राह्मण प्रतिपालक कहने का विरोध कर चुके हैं। ये पहली बार नहीं जब शिवाजी महाराज के जीवन के किसी पक्ष में ब्राह्मणों का संदर्भ आने पर इस तरह का विवाद किया गया हो। इसी प्रकार लंबे समय तक दादोजी कोणदेव को माता जीजाबाई के साथ शिवाजी महाराज का लालन पालन करने वाले अभिभावक और गुरु के रूप में देखा जाता रहा है, किंतु पिछले दो दशकों में दादोजी कोणदेव के इतिहास के प्रति विशेष प्रकार की घृणा देखने को मिल रही है। पुणे के लाल महल में उनकी मूर्ति तक को हटाने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर महाराष्ट्र में भारी विवाद हुआ था। समर्थ गुरु रामदास की पहचान हमेशा से शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु के रूप में रही है। शिवाजी के जीवन पर बनी पुरानी फिल्मों, धारावाहिकों और कहानियों में यह बहुत स्वाभाविक रूप से दिखाया जाता रहा है, किंतु हाल के वर्षों में उन्हें लेकर भी तीखा विरोध देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में जब फूलेवादी राजनीति तेज हुई, तब से दादोजी कोणदेव और समर्थ गुरु रामदेव का नाम तक लेने पर दंगे जैसी स्थिति बन जाती है। इसका कारण केवल एक है कि दादोजी कोणदेव और समर्थ गुरु रामदास दोनों ही ब्राह्मण थे। ये वो राजनीति है जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महानायक को गढ़ने वालों को ही अछूत बना दिया। मराठा साम्राज्य से जुड़े पेशवाओं को इतिहास से गायब नहीं किया जा सकता, इसलिए उनके लिए अलग तरह की जातिवादी घृणा फैलाई जा रही है। वर्ष 1818 के भीमा कोरेगांव युद्ध से मात्र दो दशक पहले 1795 में हुए खुर्दा के युद्ध तक महार सैनिकों के संयुक्त मराठा सेना की ओर से लड़ने का इतिहास मिलता है। यही वो युद्ध था जब संयुक्त मराठा सेना ने मिलकर हैदराबाद के निजाम को धूल चटाई थी और 3 करोड़ रुपए का हर्जाना भी वसूला था। इसी युद्ध में शिदनक महार ने अपने सेनापति परशुराम भाऊ पटवर्धन की जान बचाई थी। अर्थात वर्ष 1795 तक महार सैनिक पेशवा सेना का ही हिस्सा रहे थे। बाद के अंग्रेजी राज में मार्शल रेस थ्योरी के आधार पर अंग्रेजों ने महार रेजिमेंट खत्म करते हुए महार सैनिकों के सेना में भर्ती होने पर भी रोक लगा दी थी। तमिलनाडु आज ब्राह्मण विरोधी राजनीति के केंद्र के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र अभी तक ब्राह्मण विरोध और छत्रपति शिवाजी महाराज को सेकुलर दिखाने तक ही पहुंच पाया है। दूसरी ओर तमिलनाडु पेरियारवादी विचारधारा के चलते सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह नष्ट करने, भारत माता की जय और जय श्री राम के सार्वजनिक अपमान तक जा चुका है। महाराष्ट्र में अभी केवल ब्राह्मणों के ऐतिहासिक योगदान को कम करने पर जोर है, तो तमिलनाडु में डीएमके जैसे दलों की विचारधारा के चलते ब्राह्मण नीतिगत रूप से घृणा और भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। तमिल फिल्मों में ब्राह्मणों को बहुत निम्न और फूहड़ तरीके से चित्रित किया जाता है। साथ ही तमिल ब्राह्मणों की संस्कृत युक्त तमिल भाषा का भी उपहास बहुत सामान्य बात है। डीएमके के प्रवक्ता आर राजीव गांधी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि पेरियार के निर्देश के अनुसार सभी ब्राह्मणों का नरसंहार होना चाहिए। तमिल ब्राह्मण होने के कारण निर्मला सीतारमण पर आए दिन
अभद्र टिप्पणियां होती रहती हैं। ऐसे ढेरों उदाहरण आए दिन देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु का ये मॉडल अब बहुत योजनाबद्ध रूप से देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जा रहा है। राजनीति, फिल्मों, मीडिया और साहित्य के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में ब्राह्मण विरोधी घृणा भरी जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि उनकी सभी समस्याओं का कारण ब्राह्मण है। इस पूरे नैरेटिव के पीछे मिशनरी, मुल्ला और मार्क्सवाद की वही तिकड़ी है जो भारत को नष्ट करने के अभियान में जुटी है। ब्राह्मणों का ये खलनायकीकरण सोचा समझा षड्यंत्र है और इसे रोकना केवल ब्राह्मणों का काम नहीं, उनके निशाने पर हिंदुओं की हर जाति और हर समुदाय आएगा। हमें समझना होगा कि आज जो लोग दादोजी कोणदेव और समर्थ गुरु रामदास का अपमान कर रहे हैं, वे वास्तव में छत्रपति शिवाजी से घृणा करते हैं। जैसे जड़ को काट देने से वृक्ष मर जाता है, वैसे ही गुरु को नीचा दिखाकर शिष्य की महानता को मिट्टी में मिलाया जा सकता है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।